दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के पेपर देने जा रहे हैं, कई पेपर ऐसे हैं जिनमें ये दो दो नंबर तीन तीन नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये टिप्पणी की फॉर्म में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमने चल लिखा दें। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके सर्च कर लीजिएगा बी डिकेडियन बीएससी, ठीक है भाई। जैसे एक मिक्सचर होता है बॉलडेक्स मिक्सचर, इसका काम क्या, सरल भाषा में बताते हैं, जो फफूंदी वगैरह लगने लगती है पेड़ पौधों पे छिड़काव कर दिया जाता है तो जो फफूंदी वगैरह है उससे बच जाते हैं हम लोग, ठीक। तो हमने यहाँ क्या लिखा, मिक्सचर किसका होता है, चूना लिया जाता है, कॉपर सल्फेट लिया जाता है, दोनों को अलग अलग पानी में घोल लेते हैं, घोलने के बाद उठा के दोनों को मिला देते हैं और मिक्सचर तैयार हो जाता है, इतना ही काम होता है सर, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये CuSO4 और CaO का मिक्सचर होता है जिसका यूज फंगीसाइड, फंगीसाइड मतलब वही कबक नाशी कह लो, फफूंदी नाशी कह लो, जो भी आप कहते हो, के रूप में किया जाता है। बहुत सी क्रॉप्स मतलब बहुत सारी फसलें होती हैं जिनमें क्या है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है एवं कई और बहुत सारे जैसे फंगस के नाम है, से बचाने में होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये देखो CuSO4 लेते हैं, CaO मतलब चूना लेते हैं, इसका नाम क्या बताओ, CuSO4 का नाम है कॉपर सल्फेट, क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। CaO का नाम है चूना, क्या नाम है, चूना। तो भैया कॉपर सल्फेट और चूने को अलग अलग पानी में घोलते हैं यानी डिसॉल्व करते हैं तथा बाद में दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को उठा के मिला देते हैं। 1882 यानी 1882 में पियरे मैरी एलेक्सिस मिलार्डनेट, पूरा नाम पढ़ लेना ठीक है, पियरे मैरी एलेक्सिस मिलार्डेट ने डिस्कवर किया था सर, ठीक है। तो एक मिक्सचर है जो फफूंदी नाशक के रूप में यूज किया जाता है। अगर और टिप्पणी में भी कैसे आएगा, तीन नंबर में टिप्पणियां मतलब तीन दे रखे हैं, तो एक आप आराम से लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे सर, ठीक है। दूसरा बायरॉइड है जो आपसे पूछ लिया जाता है, इसके बारे में भी पता कर लो। इसे 1971 में F.O. डाइनियर ने डिस्कवर किया यानी खोज किया था। छोटे छोटे साइज के क्या होते हैं, इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, यानी सरल भाषा में संक्रमण फैलाने वाले लोग हैं ये, जो संक्रमण फैलाएंगे सर, ठीक है। साइज में छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडर्ड मतलब क्या है, एक सूत्री बोलते हैं इसे। RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर 244 से 375 होता है। ये केवल प्लांट्स में ही इन्फेक्शन करते हैं। अभी तक 10 ऐसे पौधों की बीमारियां ढूंढी जा चुकी हैं जो बायरॉइड्स के कारण हो रही हैं। जैसे इनमें एक हो गया पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रोकॉर्टेसिस ऑफ सिट्रस ट्रीज हो गया सर, ठीक है। तो इस तरीके की ये चीजें हैं, दो जो आपको तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, तीन नंबर में कभी कभी, या किसी में यूनिवर्सिटी में चार नंबर में क्वेश्चन आता है तो दो दो नंबर में दे दिए, तीन नंबर में तो तीन टिप्पणियां दे दी, और उन्हें लिख के आप आराम से अपने नंबर बना सकते हो सर, ठीक है। ये पीडीएफ अभी हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए BDKD NBSC। कोई भी दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके बताइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।